वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस की हार पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनाव में हर हार सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हार के कारणों की समीक्षा होगी, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, जहां निर्दलीय ज्यादा जीते हैं वहां पर हमारी कोशिश होगी प्रधान बनाने की। बीजेपी को लेकर मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगामी उपचुनाव में कांग्रेस फिर वापसी करेगी। लेकिन ये जो देखिए यहाँ के सारे रिजल्ट मैं घर में कह रहा हूँ, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हमारे मंत्रियों के क्षेत्रों में हम हार गए, लेकिन मेरे पास ये सारे आंकड़े हैं। अब ये सारी सच्चाई सामने आने दीजिए। यदि हम कहीं हारे हैं तो मैंने आपसे फिर कहा, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हारी कब नहीं बोली, लगातार हार रही है। आज यदि बीजेपी जो बोलकर जीतकर इतना घमंड दिखा रही है तो ये घमंड जनता इनका तोड़े सर। देख लेना बीजेपी का जो घमंड है, बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 3 बरस के बाद ये बीजेपी का ये घमंड ही इनको मारेगा। तो घमंड रावण का ही नहीं चला, राम जी है रावण का करते, तो इनका है कि किसान को अब सब पता है, लेकिन ये छोटा चुनाव है, इसमें कैंडिडेट क्या, लोकल परिस्थितियाँ हैं क्या, स्थितियाँ उसका भी फर्क पड़ता है, लेकिन सबको देख कर जो अच्छे से अच्छा आगे हम कर सकते हैं 3 वर्ष में, हर आदमी की सुनना, हर आदमी को समझना, हर आदमी का काम करना, हर गली मोहल्ले खेत खलियान गांव ढाणी में पहुंचना, ये कांग्रेस की नीति रीति रहेगी। और कांग्रेस की गहलोत सरकार अपनी वर्किंग को लेकर प्रचार प्रसार के जरिए जाएगी और 3 बरस में एक बार फिर जब 3 बरस बाद विधान। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी हार को जस्टिफाई किया है, जहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो हार होती है वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगामी उपचुनाव में कांग्रेस फिर से वापसी करेगी। देखिए ऋषा, जिस तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन हुए हैं 3-4 चरणों में, उनका जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें कांग्रेस को हार मिली है। उसी पर सवाल किया गया था, तब मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पे कुछ गलतियां पार्टी में हुई होंगी, इसकी वजह से पार्टी को कुछ जगहों पर हार मिली, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। निगम चुनाव में हमने बीजेपी को हराया था, 6 में से 4 जीते थे, और अब इस चुनाव में कुछ ऊंच नीच हुई है, तो आगामी दिनों में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं कुछ सीटों पर, वहां पर कांग्रेस पुरजोर तरीके से कमबैक करेगी और जीत दर्ज करेगी। रिशा, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, मगर कांग्रेस उपचुनाव के साथ फिर से वापसी करेगी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।